कलम तो कोई कलाम लिखना तो पहले अल्लाह का नाम लिखना, दरूद लिखना, सलाम लिखना तो फिर मोहम्मद का नाम लिखना। कलम तो कोई कलाम लिखना तो पहले अल्लाह का नाम लिखना, दरूद लिखना, सलाम लिखना तो फिर मोहम्मद का नाम लिखना। डॉक्टर साहब, हसन लिखना, हुसैन लिखना, हसन लिखना, हुसैन लिखना, नबी के दिल का तू चैन लिखना, रफीक मुगल तू सैयदा को नबी का नूर ऐन लिखना। और जनाब सईदा की आज शहादत के हवाले से है कि दुआ है कि, क्योंकि कम पढ़ने का भी हुक्म मिल गया है, तो ये दुआ है कि आपका यहाँ पे चल आना रसूल की बेटी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और रसूल की बेटी आप सब पे राज़ी हो। और जिस पे राज़ी हो जाती है कुरैशी साहब तो फिर क्या होता है, जिससे राज़ी बतूल हो जाए, जिससे राज़ी बतूल हो जाए उसकी तौबा कबूल हो, जिससे राज़ी बतूल हो जाए उसकी तौबा कबूल हो जाए, और फातिमा की रज़ा जो होशामल नारे दोज़ख भी फूल हो जाए, फातिमा की रज़ा। तो एक कलाम है नात का, कोई 14 वर्ष से इसको मैं पढ़ रहा हूँ। आखिरी शेर जनाब सईदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उस कलाम से ही आप शुरू करता हूँ। कहीं कुदसियों का दरूद है, कहीं आयतों का नज़ूल है, तेरी शान की कोई हद नहीं, तेरी शान की कोई हद नहीं, है तू अज़ल के दिल से रसूल है, तेरी शान हद नहीं, जो तेरी गली का फकीर है, जो तेरी गली का फकीर है, वो जहां मैं सब से अमीर, जो तेरी फकीर बैठे जो वजीर साहब बैठे असल में ये भी फकीर फकीर, जो तेरी गली का फकीर है, वो जहां मैं सब से अमीर है, जो तेरे शऊर पे शक करे, हाँ जो तेरे शऊर पे शक करे, वो तो आप फर्द जहूल है, तू अज़ल के दिल से रसूल है। कायनात के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ख्वातीन के लिए बेहतरीन रोल मॉडल अगर मौजूद है वो सैयदा फातिमा तो ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा है। और साहिबो, वो कायनात की हस्ती जो ख्वातीन की जन्नत की सरदार होंगी, मैं वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब नूर कादी साहब को खुश आमदीद कहते हुए स्टेज पे आने की दावत दे रहा हूँ। कायनात की वो हस्ती जिसे बीबी फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है, जब कल कायनात के जब कल हशर के मैदान में तशरीफ़ लाएंगी, रब की तरफ से सदा बुलंद होगी कि आज कायनात में वो ज़ाते बरहक़ा तशरीफ़ ला चुकी हैं दुनिया से, कि इनकी मौजूदगी में तमाम अंबिया भी अपने नज़रों को झुका लें, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गुज़र हो रहा है। साहिबो, आज चूँकि टाइम भी मुख्तसर है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम तीनुल क़ाज़ी साहब तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया और इस वादे पर कि ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं डॉक्टर गज़नफर महदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, ये 52 साल से ये सआदत इमाम हुसैन कौंसिल को हासिल है,
कि इमाम हुसैन ये पंचतन पाक के अयाम विलादत और शहादत कभी ब्रेक नहीं आई। और आज आप तशरीफ लाए हैं, नेकियां मिली। मैं क्योंकि मैं भी आपकी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, ओ मैंने ये जुमला आपको सुनाना ज़रूरी है, और उन लोगों को जो समझते हैं कि शायद हमारी तकरीरों का असर इमरान खान पे नहीं होता, वो मैंने ख़त लिखा। मैंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, रियासत मदीना की खातून अव्वल हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा का यौम विसाल 3 जमादुस्सानी को है और मिलाद 20 जमादुस्सानी को है, तो ये सारा महीना बीबी के नाम से निस्बत दें। मैंने ख़त लिख दिया। मुझे 4 दिन पहले डॉक्टर साहब सुबह सवेरे टेलीफोन आया, DMS ने कहा कि डॉक्टर गुज़नफर मेहदी बोल रहे हैं। मैं क्या, आपका PA तो नहीं, आप खुद बोल रहे हैं? मैं क्या, वज़ीर आज़म बात करना चाहते। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने तशरीफ़ रखी, उन्होंने क्या कहने लगे, गुज़नफर मेहदी वो ख़त आपका मिला, मैं सोच रहा हूँ आप, पूरी दुनिया आपको जानती है, आपका स्कॉलर ये वो है, तो गुस्ताखी ये करेक्शन नहीं है और तस्हीह भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात आपको पसंद आ जाए। मैं क्या, अगर आपकी बात पसंद आई तो मैं सारों को बताऊंगा। कहने लगे वैसे आपने लिखा रियासत मदीना की खती ये खातून अव्वल हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा, मेरे ख़्याल में रियासत मदीना की खातून अव्वल तो हज़रत खदीजतुल कुबरा नहीं है। कादी साहब मुझे इसका, मैंने उसके लिए बड़ी दुआ की कि कम अज़ कम ये एहसास तो है ना जी। आप हमेशा बाद में आते हैं और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये आपको बता दूँ। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब दरख्वास्त कर रहा हूँ हुकूमत से कि ये जो हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा का यौम विलादत, फिर रजब आ रही है 13 रजब यौम विलादत अली, फिर शाबान आ रही है 3 शाबान विलादत इमाम हुसैन, फिर रमज़ान का महीना हज़रत खदीजतुल कुबरा शहादत अली, हम सब कुछ मनाते हैं। मेरे भाई चौधरी फवाद हुसैन को भी मनाना चाहिए। मेरा मुतालबा है कि पंचतन पाक के अयाम विलादत और शहादत सरकारी एहतमाम से मनाया जाए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए हकीम सर सहारनपुरी तशरीफ़ लाएँ। आपने वालिद साहब के सलाम के 2 अशार, दो ख़वातीन की इरम की सैयदा वो फ़ातिमतुज़्ज़हरा, सलाम उन पर के जिनका हर कदम नक्शे वफा ठहरा, नबी ने उनको यौम ज़िल अशीरा में पुकारा के पेशानी से उनकी नूर ईमां आश्कार है, उन्होंने तरबियत पाई है आगोश नबूवत में, उन्होंने तरबियत पाई है आगोश नबूवत में कि इनके दम कदम से रोशनी कसरे विलायत में, तरीका जिनका हक की सरफराजी ऐसी बेटी हैं, तरीका इन जिनका हक की सरफराजी ऐसी बेटी हैं कि जिनकी हर अदा से बाप राजी ऐसी बेटी हैं। वाखुद दावाना अनिलहमदिल्ला। चूँकि इस दौर में हर दौर की तरह सबसे मुख्तसर
खिताब सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं क्या चीज़ हूँ, हज़रत खुदा सुखन ने कहा था कि कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करूँ फिर फातिमा की इस्मत फत रकम करूँ। इमाम सन कौंसिल डॉक्टर जनफर मेहदी, इतने खूबसूरत चेहरे, बुज़ुर्ग जवान, मैं आप हजार की खिदमत में फ़कत दुआ का पैगाम लेके आया हूँ। चूँकि डॉक्टर साहब ने बड़ी मोहब्बत से मदू किया, कायद मिलत जाफरिया आगा सैद हमजर मुस्लिम सरकार ने, फ़कत इतना कहा है कि हम क्या कहें, ख़ुद पाकिस्तान का तस्वर पेश करने वाला अलामा इकबाल ये कहने पर मजबूर है कि मरियमज यक नस्बत ईसा अज़ीज़ असह नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सैयदा कायनात की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आए, फ़कत इतना पैगाम कि हमें किसी और रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, हमें मारवी सरमद की रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कायनात की सबसे बड़ी रोल मॉडल सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आखिरी बात कह के इजाज़त चाहूँगा कि जिब्रील दो जगह पे नहीं जा सके, जिब्रील अमीन दो जगह पे उनका दाखिला ममनू था, एक सिदरतुल मुंतहा से आगे और दूसरा दरेज़ारा से आगे। बहुत शुक्रिया जी साहब, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, और बहुत सारे स्टेज पे बैठे हैं, और फरमैदी साहब हैं, हकीम साहब हैं, अल्लामा कमर आज मेरे बचपन के दोस्त हैं, मखदूम अब्बास साहब हैं, अल्लामा अहमद सईद साहब हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं आता हूँ तो मैं डॉक्टर गज़नफर मेहदी को ये दुआ देता हूँ कि जिस दुनिया में बेहयाई के डांस हो रहे हैं उन जगहों पे कि जहाँ कभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस धरती पे हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा पैदा होती हैं, और पाकिस्तान में ये वाहिद जगह है मरकज़ी इमाम हुसैन काउंसिल जो पूरा ये फंक्शन करके ये तकरीब करके हमारे ईमानों को ताज़ा करती है, हमें रोल मॉडल देती है। और गज़नफर मेहदी को मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे वालिद के भी दोस्त हैं, मेरी वालदा भी बड़ी अकीदत रखती थी कि ये जो सिलसिला इन्होंने किया है ये इसके ही जर पक्षे जाएंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना सादी से किसी ने पूछा तो कि आप बताएं कि किसी आलिम के साथ बैठने की क्या अहमियत है, तो उन्होंने कहा कि यक ज़माना सो बते बा औलिया बेहतर सत्साला ताते बेरिया। उस शख्स ने पूछा इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि एक शख्स अगर किसी आलिम की महफिल में बैठता है, और आलिम सिर्फ ये नहीं है, मज़हबी आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हिस्ट्री वाला, कोई भी इल्म देने वाला आलिम है, उसकी महफिल में बैठ के अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो वो 100 साल की इबादत से बहुत बेहतर है। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या बात हुई। वो मौलाना अशरफ अली थानवी के पास पहुंचा, कहा ये मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही कि एक बंदा सारी साल 100 साल इबादत करता है और कुछ लम्हे अगर वो आलम के साथ गुजारता है। तो उन्होंने उससे भी आगे एक शेर फरमा दिया कि यक ज़माना सोबते बा औलिया बेहतर अस लख साल ताते बेरिया, यानी कि 1,00,000 साल की इबादत से बेहतर है किसी आलिम के साथ बैठना और कुछ हासिल कर लेना। उन्होंने कहा यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा इबलीस से बड़ा कोई फरिश्ता था नहीं, इबलीस से बड़ी किसी की इबादत थी नहीं, लेकिन जब उसने एक अल्लाह ताला के इंसान को सिजदे करने से इनकार कर दिया तो 1,00,000 साल की इबादत एक उस सजदा ना करने की वजह से ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कहा कि असहाबे कैफ के कुत्ते का सुने कि वो कुत्ता जिसको हम नजीस बोलते हैं, घर में नहीं रखते हैं, रख नहीं सकते, लेकिन जब वो कुत्ता उन नौजवानों की 330 साल हिफाजत करता है तो कुरान पाक में कुत्ते का जिक्र आ गया
तो ये नस्बतें जो है ना इल्म की, हमें इस्लाम को थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल इस्लाम की ज़रूरत है। कोई एक इस्लामी मुल्क, मैं कहता हूँ कोरोना, ये इतना बड़ा ड्रामा है कोरोना, मैं अब इस पर आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ, ये इतना बड़ा ड्रामा है कि कितनी खूबसूरती के साथ कोई एक मुसलमान मुल्क बता दें जहाँ इंडस्ट्री है, कोई एक मुसलमान मुल्क बना दें कि जो एटम बम बनाता है सिवाय पाकिस्तान के, इसमें थोड़ा बहुत इस्लाम आपको पाकिस्तान में मिल रहा है, कोई एक मुल्क बता दें दुनिया में जो यूरोप और अंग्रेज़ों और यहूदियों का मुकाबला, उन्होंने इतनी खूबसूरती से आपको फारग किया कि आज सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ उनके ग़ुलाम होके उनके जो एडवाइज़र हैं सारे यहूदी वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये है साइंस। बहरहाल हज़रत फातिमा की बड़ी बातें हुई, मैं थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डालूंगा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रेगनेंसी की मुबारक देने आए थे, और जब उनकी डिलीवरी हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, चार ख़वातीन को अल्लाह ताला ने भेजा, हज़रत उम्मे कुलसूम जो हज़रत मूसा की बहन थी, हज़रत सारा जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेगम थी, हज़रत फिरौन की बेगम हज़रत आसिया, और हज़रत मरियम। लेवल देखें, और वो जब पेट में थी तो माँ से बातें किया करती थी, जब वो पैदा हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मुबारक देने आए, हज़रत अली से जब उनकी शादी हुई तो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया, और वो खातून कि जिसे जन्नत की सरदार कहा गया, जिसके बच्चों को जन्नत का सरदार कहा गया, जिसके मियाँ को शहर इल्म का दरवाज़ा कह दिया गया, और जिनके वालिद को ख़त्म नबूवत की मोल लगा के ख़त्म कर दिया गया, क्या लेवल है उनका। हमने बदकिस्मती से मलाला यूसुफ़ज़ई को रोल मॉडल बनाया हुआ है, हमने बदकिस्मती से बड़ी बड़ी अदाकाराओं को रोल मॉडल बनाया हुआ है। खुदा के वास्ते वो देखे कि जिसकी मोहब्बत में दुनिया बनी उसकी बेटी किस सादगी से शादी होती है, किस सादगी से। बस मैं एक आखिरी किस्सा कह के ख़त्म करूँगा। लेवल देखें कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब हज़रत सलमान जो जिनका जिनों पे परियों पे सब पे कंट्रोल था, जब उनकी बेटी की शादी हुई तो इस कदर जहेज दिया गया, सोने के तख्त और पता नहीं क्या क्या, तो हज़रत अली घर आए तो उन्होंने हज़रत अली ताला ने हज़रत फातिमा को ये बात बताई तो हज़रत फातिमा रंजीदा होगी क्योंकि उनका तो बड़ा सादा सा जहेज था। ख्वाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के अन्हों में जन्नत आ गई और हज़रत फातिमा वहाँ तख्त पे बैठी हुई हैं और एक खातून उसका यानी ताज लेके खड़ी हुई हैं। तो हज़रत फातिमा पूछती है हज़रत अली से, ख्वाब में तुम जानते हो ये खातून कौन है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यह हज़रत सलमान की साहबजादी हैं। तो ये है लेवल। बहरहाल अल्लाह ताला बातें बहुत साथी हज़रत हमारे ने अभी ख़िताब भी फरमाना है, लेकिन बस इसके साथ के खुदा के वास्ते हमारी ख़वातीन आखरत को डरें, मौत से डरें, अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि एक औरत अगर ठीक हो जाए तो पूरा माशरा तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला आपको और मेरे सब पे सबके सदक़ल्लाज़ीम वसदक रसूलुहुन नबीयुन करीम। اللهم صل على محمد وعلى آله وإطرته بعدد كل معلوم لك। मैं आज मरकज़ी इमाम हुसैन कौंसल के ज़ेर एहतमाम ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विसाल की तकरीब मुनक्कद हुई और इसका सारा क्रेडिट जहाँ दीगर अहबाब को जाता है, वहीं जनाब हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और जिन किसी तारफ के जो मोहताज नहीं, जनाब गज़नफ़र मेहदी साहब को जाता है। और वो अरसा दराज से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं कि ये कुरान मजीद की 33वीं आयत है और ये 33वीं सूरत में नाजल हुई, 33वीं सूरत की 33वीं आयत, और तभी तो 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर है। हज़रत फातिमा की शान बंदा क्या बयान करे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ख़त्म करे। हज़रत बीबी फातिमा जो कि हसनैन करीमैन की माँ हैं, जो कि अली की जोजा है, शेर खुदा की जोजा हैं, जो कि एक तरफ देखें तो अब आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, एक औरत की, एक कोई भी दुनिया की औरत है
उसको पहचानने के लिए तीन नस्बतें हैं। पहली नस्बत वालद, दूसरी नस्बत खावंद, तीसरी नस्बत बेटे। बीबी फातिमा के वालिद साहब को देखिए, कायनात के सरदार खातिमुर रुसुल, पूरी कायनात उनके सामने जेर। बीबी फातिमा के शोहर को देखिए, शेर खुदा, फातह खैबर, मरहब को ललकारने वाले, इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने वाले, अपने बच्चों को कुर्बान करने वाले। और बीबी फातिमा की औलाद देखिए, जैनब को देखिए, रुकिया को देखिए, हसनैन करीमैन को देखिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने फातिमा से बढ़कर जेस्चर पोस्चर में, उठने बैठने में, लेटने में, सुनने में, कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, खाना खाने में, चलने फिरने में, हजरत फातिमा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। और वही माँ तरबियत कर रही थी कि जब फिर वही माँ, उसी माँ की तरबियत थी कि हसनैन ने, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन बातल के सामने सर नहीं झुकाया। आज इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यही मिसाल दी जाती है कि अगर वक्ती तौर पे हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया तो यजीद का नाम तो आज भी कोई नहीं लेता, और हुसैन का नाम आज भी जिंदा है और ता क़यामत भी जिंदा रहेगा। और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। आप नमाज पढ़ें, आप सलातो सलाम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अहले बैत जुड़े हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला, मरियम तो आबिदा है।
इबादत है फातिमा, दोनों की इश्तराक से सजदा कबूल है। हैदर अगर नमाज है तो नीयत है फातिमा, यानी तू है नमाज का आगाज फातिमा। असरा की रात कौन था चिलमन बना हुआ, असरा की रात कौन था चिलमन बना हुआ, असरा की रात कौन था चिलमन बना हुआ। मालूम है तुझी को ये राज फातिमा, मालूम है तुझी को ये राज फातिमा। और हाकिम तौफी के तौबा उसको न मिल सकी, हाकिम तौफी के तौबा उसको न मिल सकी, हाकिम तौफी के तौबा उसको न मिल सकी। एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज फातिमा। जब फातिमा का जिक्र आता है तो पूछो कौन फातिमा, कौन फातिमा, कौन शहजादी फातिमा, किस बादशाह की बेटी फातिमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा के सामने बैठे हुए हैं, आप पूछते हैं, एक आपके पास एक बुद्धू आ गया मुसलमान होने के लिए। बुद्धू ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा शरीफ पढ़ाया, मुसलमान किया। जब वो मुसलमान हो गया तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्योंकि मैं जब इस्लाम हासिल करने के लिए आ रहा था तो घर वालों ने मुझे निकाल दिया और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना मिल जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा बैठे हुए थे उनके सामने कहते हैं, फरमाते हैं कि कौन है जो इस मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा। सारे खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमारे घरों में कुछ भी नहीं है, हम खुद फाके से हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं खुद आज इतने दिनों से फाके से हूँ। तो आपने सलमान बिन फारसी को बोले कि आप जाओ और जाके मेरे मेहमान को कौन खाना खिलाएगा। सलमान बिन फारसी जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, नौ मुस्लिम है, उसको कौन खाना खिलाएगा। आप जा रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं, ऐसे ही जाते जाते हज़रत फातिमा के दरवाज़े से भी गुजर गए हैं। जब आगे चले गए हैं तो हज़रत फातिमा को आवाज़ आई कि अब्बा जान का मेहमान भूखा है और नौ मुस्लिम आया हुआ है। फातिमा पीछे से आवाज़ देती हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हैं और आवाज़ देती हैं, चचा जान कौन कौन मेहमान है, आए मैं आपको बताऊं। तो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, फातिमा मैं सुबह से गश्त कर रहा हूं, कोई बंदा खाना देने को तैयार नहीं। हज़रत फातिमा कहती हैं, मेरे घर भी खाना तो नहीं है, कितने दिनों से हसन हुसैन फाके से हैं, लेकिन ये मेरी चादर ले जाओ और फलां यहूदी शमून यहूदी जो है उसके घर अनाज है, जाएं उसको ये चादर गिरवी रख कर
तो आप आटा या दाने ले आए, मैं बना के अपने अब्बा जान के मेहमान को खाना भेजूंगी। सलमान फारसी चादर लेते हैं, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि किसकी चादर, किस शहजादी की चादर मैं लेके यहूदी के पास जाऊं। आप चादर उठाते हैं, जाते हैं शमून यहूदी के पास, उसको कहते हैं, शमून नबी पाक का एक मेहमान है और वो इतने दिनों से भूखा है, आज नबी पाक ने हुक्म किया कि मेरे मेहमान को कौन खाना खिलाएगा, तो ये चादर गिरवी रख लो और मुझे खाना दो ताकि मैं उसको जाके उनको दूँ और वो पका के देंगी। तो शमून कहता है कि मैं तौरात का आलम हूँ, मैं तौरात का आलम हूँ और मैंने तौरात में पढ़ा था कि एक यहूदी के पास हज़रत फातिमा की चादर आएगी और वो एक मेहमान को खाना खिलाएंगी। तो ऐसा सलमान ये चादर भी ले जा और ये आटा भी ले जा और मुझे भी वहाँ ले जा ताकि मैं कलमा पढ़ सकूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस फातिमा का हम जिक्र कर रहे हैं, हम तो उनके जिक्र के लिए, मेरा ख्याल है हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हज़रत फातिमा का हम जिक्र करें। वो शहजादी जो इस कदर मेहमान नवाज थी, वो शहजादी जो अब्बा जान को इतना प्यार से, अब्बा जान के साथ इतना प्यार था, और वो शहजादी जिसके आने पे मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खुद हो जाते थे और आपकी पेशानी पर प्यार करके कहते थे कि मेरी बेटी आई है। मामा अलैना हुज़ूर पुर नूर की साहिबजादी के नाम है, हुज़ूर पुर नूर की एक साहिबजादी थी जिनका नाम फातिमा था और उनको साथ बहुत एजाजात थे। जिस तरह ज़रा से हम रोशनी या नूर को तस्बीह देते हैं, फिर निसा से हम वो खातून की सरदार थी, वो 20 जमादुल अख्तर से में पैदा हुई। उन्होंने जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो एक अजीम वालदा थी, उन्हें सैयदा खतीजा अल उमर मोमिनीन सदीका अल कुबरा कहते हैं और वो एक बहुत अच्छे और आरामदेह माहौल में पैदा हुई। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ देर के बाद सिद्दीका बीबी सीदा उम्मुल मोमिनीन उनकी वालदा इस जहान से वो रुखसत हो जाती हैं और उसी दौरान करीब करीब हज़रत अबू तालिब भी का इंतकाल हो जाता है। तो हुज़ूर की
जो हुजूर की जो ये मुश्किलात में बहुत एक इजाफा हो जाता है और लोग उनको तरह तरह की तकलीफ़ें देते हैं। आपको वो वाक़या तो वो याद होगा कि खातून उन पर कुछ चीज़ें फेंकती थी, तो ये बीबी जो हैं ये उन सब की सफाई हुजूर की ये खुद करती थी, तो फिर उनको ये भी कहा गया कि ये हुजूर की वालदा की तरह उनका ख्याल करती हैं। फिर हम देखते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने हुजूर को बता दिया था कि मेरे जाने के बाद आपका मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको हिजरत करनी पड़ेगी। हिजरत के वक्त ये हुज़ूर की दुख्तर एक थी उम्मे सलमा के साथ थी, और हुज़ूर ने उम्मे सलमा को कहा था कि आपने मेरी साहिबजादी को तालीम और तरबियत देनी है। तो हिजरत के सारे जो मामलात थे वो उन्होंने उम्मे बीबी सलमा के साथ वो गुजारे। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहित तय्यिबीन व असहाबिहिल मुकर्रमीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबीका व हबीबिका लुम्मी व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज के इस बज़म के मेज़बान और मुंतज़िम आला मेरे मखदूम और मोहतरम जनाब डॉक्टर गज़नफ़र मेहदी साहब, जनाब मखदूम मोहतरम अब्बास महमूद शाह साहब पीर साबा बंगाली शरीफ, जनाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब, अल्लामा अयाज़ ज़हीर हाशमी साहब, अल्लामा कमर हैदर ज़ैदी साहब और मोहतरम हकीम सहारनपुरी साहब, इस बज़म में तशरीफ़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन ख़वातीन हज़रात सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंसानी अदब एहतराम और अज़मत की इंतहा है, वहाँ से मखदूमतुल कौन सैयदतुल ख़ल्क़ क़ुर्रत आयन रसूलिल्लाह व बदअत हबीबल्लाह फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अला उम्मिहा व अबीहा व ज़ौजिहा व बनीहा, उनका जो मकाम है आपका वहाँ से शुरू हो जाता है और मैं समझता हूँ कि हज़रत इमाम मालिक से मैं अहले सुन्नत का हवाला इसलिए देता हूँ कि कहीं किसी का ख्याल होगा कि अहले तशय्यु शायद गुलो और कुछ ज़्यादती कर जाते हैं सईदा की तारीफ़ और मिदहत में। मैं अहले सुन्नत का हवाला देता हूँ। इमाम मालिक अहले सुन्नत के चार फ़िक्ही अइम्मा में से एक इमाम है जिसको इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है और जो सबसे सीनियर इमाम है। उससे इमाम मालिक से किसी ने पूछा
वो दर्स देते थे मस्जिद नबवी के अंदर। किसी ने पूछा कि औरतों में सैयदा से, सैयदा फातिमा से बड़े रुतबे वाली कोई खातून है? तो इमाम मालिक ने उस साइल से, उस पूछने वाले से पूछा कि आप औरतों की बात करें, मुझे मर्दों में उससे बढ़कर कोई रुतबे वाला बताएं। सैयदा, हम इधर, मैं तो इस नीयत से आया हूँ कि उसका लंगर और खैरात क़यामत के दिन माफ़ी का बांट रहा होगा, हम हाज़िरी कर जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सईदा की नस्बत से, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ इस बताने के लिए कि बाकियों को भी रग़बत हो। मैं अपनी सुबह जो है, जो रोज़ का सुबह है, मैं सईदा को सलाम करने से पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान मेरे मशायख का, मेरे आबा अजदाद का, मेरे बुज़ुर्गों का वजीफ़ा है, और वहाँ पहले फातिहा और कुल पढ़ के सईदा को सलाम करता हूँ, और फिर वो वजीफ़ा कई दफ़ा पढ़ता हूँ। इलाही बिहुर्मतिल हसन व अखी व उम्मी व अबी व उम्मी व बनी नजीनी मिनल गम्मिल्लज़ी अनफी। ये दुआ जो है मैं हर सुबह और फजर सुन्नत और फर्ज के दरमियान मेरे बुज़ुर्गों का, और ये भी बताऊँ, ये भी अहले सुन्नत के इमाम हदीस है इमाम तर्मिज़ी, ये उसकी दुआ है, ये उसका वजीफ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ के मामूलात सईदा के नाम और बरकत से शुरू करते हैं और उसी पे ख़ात्मा करते हैं। और हमें ये पता है कि अल्लाह के यहाँ सबसे, अपनी मखलूक में सबसे महबूब सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये भी पता है कि हुजूर को सबसे ज़्यादा महबूब तरीन जो हस्ती है वो सैयदा की है। एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जो आज कल लोग ख़वातीन की मकाम और एहतराम और हुकूक़ की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हुजूर ने जिस तरह, हम सब साहिब औलाद है, हमारे घरों पे बेटियाँ हैं, लेकिन हुजूर ने जो एहतराम सैयदा को दिया है, जिस तरह लिखा गया है, जिस तरह बताया गया है, जिस तरह मुस्तनद रिवायात में है कि हुजूर को आपकी आवाज़ का पता चलता था, आपकी कदमों की आहट का पता चलता था, ये सईदा की कदमों की आहट है। और जब बाहर से, दरवाजे से बाहर से आप तशरीफ़ लाती तो आप अपनी जगह से उठते, दरवाजे तक जाते, वहाँ से आपको रिसीव करते, इस्तकबाल करते, और फिर जहाँ आप खुद बैठते वहाँ पे आप उनको बिठाते। कोई बाप अपनी बेटी को इतना इज्जत दे सकता है? कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नबी और हमारी आका की सुन्नत करीमा है। तो इस हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब ने इस तरफ इशारा किया कि हम पता नहीं किसको रोल मॉडल बनाया है और किन चीज़ों में हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, रसवाई की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने हमें बताया है कि मज़ार तस्लीम रा हासिल बतूल, वो फरमाते हैं कि तस्लीम एक मकाम है जिसमें बंदा कहता है कि मौला तू जिस चीज़ पे राज़ी, मैं उसी पे राज़ी। ये वो मकाम है जो नबीयीन में उलुल अज़म अम्बिया को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। और इकबाल फरमाते हैं मज़ार तस्लीम रा हासिल बतूल, जो तस्लीम की केती है उसका हासिल नचोड़ और ख़ुलासा वो सैयदा बतूल है। माँ दरारा उस्वाए कामिल बतूल। पीर साहब मौड़ा शरीफ भी तशरीफ़ ले आएँ, मैं इनके इस्तकबाल के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इख्तितामी दुआ आज इस मजलिस की फरमाएं। या अल्लाह, आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र अहले बैत हुआ, उसको कबूल और मंजूर फरमा।
हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज मुतहरात पंचतन पाक बिलखसूस सईदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, या अल्लाह हम सबको उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इन नेक हस्तियों के वसीले से हम सब की परेशानियों को तकलीफ़ों को दुखों को दूर फरमा, या वहाब व रज़ाक हम सब के रिस्क में माल में बरकतें अता फरमा, या अरहम रहमीन रहम फरमा, या अल्लाह हर किस्म के इम्तिहानात से आजमाइशों से बीमारियों से परेशानियों से महफूज फरमा, डॉक्टर गज़नफर मैदी साहब को उनके घर वालों को सेहत कामला अता फरमा, ए मालिक हम सब को पंचतन पाक की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा, डॉक्टर पी नूरुल हक कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है उनको सेहत कामला अता फरमा बरकतें अता फरमा।